नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल ईयर 5। जिस जिसका पर्सनल ईयर 5 आने वाला है, तैयार हो जाइए। बहुत ब्लेसिंग वाला साल है। बहुत जो लाइफ में दिक्कतें थी, परेशानियां थी, जो आप लोगों के लाइफ में क्या कहते हैं, स्पीड नहीं था या मोनोटोनस लाइफ हो गई थी, काम नहीं बन रहा था, सब कुछ, शादी नहीं हो रही, बेबी नहीं हो रहा, करियर में ग्रोथ नहीं है या फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, आप तैयार हो जाइए। पर्सनल ईयर 5 अगर आ रहा है, बहुत सारा ब्लेसिंग देखे जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि अगर किसी के पास अगर ऑलरेडी 2 या 3 5 हैं और उनका अगर पर्सनल ईयर 5 आता है तो कहीं कहीं उसको नेगेटिव कर देता है। तो उसके लिए जो मैं रेमेडी बताऊंगा, वो रेमेडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए रेमेडी मैं इसलिए हर पर्सनल ईयर तक बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रेमेडी करेंगे तो चाहे फिर आपका लोशु ग्रिड कैसा भी हो, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई डिजिट आती हो ना आती हो, इस रेमेडी से उस पर्टिकुलर ईयर को वो पॉजिटिव कर देगा। और जब वो हमारा समय समय पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ सकती है, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्या है ना, एक्टिविटी और चेंज को लेके आता है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 नंबर क्या है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, बुध का प्लैनेट है, स्पीड को दर्शाता है। तो जब भी ये हमारे लाइफ में आएगा तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी और चेंज को लेके आएगा, ठीक है। तो जब भी आप पर्सनल ईयर 4 से 5 में जा रहे हैं, पर्सनल ईयर 4 में आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत रिजिड भी रहा आपका नेचर, अब जब आप 5 में जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको खुले मन से स्वीकार करिए, उनको खुले मन से एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल भी रिजिड मत रहिए, ऐसे रिजिड मत रहिए कि मतलब नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं हो, ये चीजें बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मंत्र है फॉर पर्सनल ईयर 5 कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आते हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कोई चीज अगर नया हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया आइडिया अगर दिमाग में आ रहा है तो उसको भी कैश ऑन करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि नहीं नहीं होगा, नई चीज है, कैसे करूंगा, क्या नहीं करूंगा, इस थॉट प्रोसेस में बिल्कुल भी मत रहिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो ईयर है ये क्या है कि फ्रीडम का ईयर है, वैरायटी, चेंज एंड ट्रैवल का ईयर है। तो अगर इस साल जितने भी लोग, जितना पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जो नॉर्मल ट्रैवल है वो भी बढ़ने की चांसेस रहते हैं, चाहे वो पर्सनल ट्रैवल हो चाहे वो बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल हो। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी का फॉरेन जाने का प्लान है या फॉरेन जाने की एस्पिरेशन है, ठीक है, या कोई बच्चा है जो एजुकेशन की वजह के लिए फॉरेन जाना चाहता है, तो इस साल उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा क्या है, देखिए ये जो पर्सनल ईयर है ये 5 आपको क्या करता है, 5 आपको जो है लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आता है। देखिए 5 कैसा है, आपके लोशु ग्रिड में आता है, सेंटर में आता है। तो जिसके भी लाइफ में, जिसके भी पास 5 नहीं, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास 5 नहीं होता है, तो इस साल क्या है कि 5 की ब्लेसिंग आने से आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। चांसेस होते हैं आपके, अगर मान लीजिए अगर आपके पास अपना घर नहीं है, किसी कारण से अपना घर आप नहीं बनाए, तो अगर इस साल आप एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तो इस साल आपके घर बनने के भी चांसेस हो सकते हैं। शादी अगर नहीं हो रही है, कोशिश करेंगे, शादी भी हो सकती है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो जिंदगी आपकी, जीवन जो आपका रुक गया है, उसको कहीं ना कहीं ये स्पीड देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये द सिंपल पॉइंट इज कि बी ओपन फॉर चेंज, बी ओपन फॉर एक्टिविटी। ये जो साल है, ये साल सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके काम करने का नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको आंख खोल के देखने का है। इस साल हार्ड वर्क आपने पिछले साल किया, अपनी लाइफ आपने सिस्टमैटिक पिछले साल कर ली जब पर्सनल ईयर 4 में थे आप। अब जब पर्सनल ईयर 4 से जब आप 5 में मूव कर रहे हैं, अब जो आपने अपना जो एक सिस्टमैटिक लाइफ बनाया है, उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है नंबर 5 में, उसको ग्रैब करना है, ओपन रहना है और ट्रैवल करना। तो अगर ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आती है, ट्रैवल भी करना है। अगर क्या कहते हैं, अगर अगर आपके लाइफ में, अगर मान लीजिए जैसे मैंने बताया घर नहीं है, तो घर की अपॉर्चुनिटी, अगर मतलब कुछ भी, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती है तो उसको खुले खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार करना है, ठीक है। अब ये इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी बढ़ेगा।
नए घर की ब्लेसिंग मिल सकती है, अगर नहीं है नया घर तो नए घर की ब्लेसिंग मिल सकती है। मान लीजिए अगर आप बेबी के लिए बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं तो इस साल उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, हो सकता है इस साल आपको बेबी मिल जाए। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं बट प्राइमरीली ये अपना काम करेगा। जैसे मैंने बताया फॉरेन ट्रैवल भी इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शादी अगर नहीं हो रही है तो शादी भी इस साल होने के चांसेस रहते हैं। ईयर आपका ओवरऑल जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 5 आता है, ऐसे बहुत कम होता है कि किसी को मीडियोकर रिजल्ट मिले, ठीक है। जब भी पर्सनल ईयर 5 आता है सब लोगों को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग और आशीर्वाद दे के जाता है। अब ये डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो शुरू के 4 साल हैं वो कैसे बिताए हैं, ठीक है। अगर आपने वो शुरू के 4 साल जो एनर्जी थी उस तरीके से अगर आपने प्लानिंग या चीजें नहीं की हैं, तब हो सकता है कि आपको 5 पूरी, बिकॉज फिर आप रेडी रेडी नहीं है उस 5 का जो बेनिफिट है लेने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो जो पर्सनल ईयर बताया जा रहा है, जैसे 4 की जो एनर्जी है उसके साथ जुड़िए, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखिए और उसके हिसाब से प्लानिंग करिए। तो 5 में आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या नहीं, क्या अवॉइड करना चाहिए इस साल आपको, देखिए आपकी जो एनर्जी है उसको आपको स्कैटर नहीं करना है। अगेन 5 आया एक साल के लिए है, समय जो अच्छा समय है बहुत जल्दी बीत जाता है, ठीक है। तो स्कैटर एनर्जी नहीं करना है कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, ओपन रहना है चेंज के लिए। बट इट डजन मीन कि आप जो है कुछ भी मतलब सारी चीजें ट्राई करें, कोई एक चीज डिसाइड करिए। इनफैक्ट 4 में आप डिसाइड कर सकते हैं, 5 में उसको आप फुल ऑन फुल थ्रॉटल कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। 5 इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग, ठीक है। दूसरा जो है अनफोकस्ड, अनफोकस्ड नहीं रहना है, ये चीज आपको अवॉइड करनी है। किसके लिए ये साल अच्छा रहेगा? तो सबसे अच्छी चीज यही है कि ये साल सबके लिए अच्छा होता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ओनली ईयर, पर्सनल ईयर 5 एक ऐसा साल है जो सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए ब्लेसिंग लेके आता है और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आता है। गिवन कि हम लोग जो हमारा पर्सनल ईयर चलते आ रहा है उसकी एनर्जी को समझे और उसके हिसाब से बिहेव करें, ठीक है। रेमेडी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी के पास मान लीजिए ऑलरेडी 2-5 है या 3-5 है और उसका अगर पर्सनल ईयर 5 आया तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव होकर नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो उसके लिए रेमेडी, या फिर रेमेडी अगर 5 शुरू हो रहा है आपका तो सारे लोग इस रेमेडी को करिए, बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आता है आप वो पहन सकते हैं, या फिर ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आता है। जैसे आप देखेंगे मैंने ये पहन रखा है, ये ग्रीन कलर के जो इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए ये ग्रीन जेड है। ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ग्रीन या फिर ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अल्टरनेटिवली आप एमरल्ड भी पहन सकते हैं, ठीक है, इन गोल्ड और इन सिल्वर, बट अगेन वो थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चीज हो जाती है। तो आप ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहनिए, 1 साल मिनिमम आप इसको पहनिए जब तक आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। उसके बाद आप उसको निकाल के फिर जो आपका नेक्स्ट पर्सनल ईयर आएगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 5।